माद्विनिस्तृताम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तृताम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीये अध्याये अष्टमः श्लोकः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यद्यपि अयं तृतीयः अध्यायः कर्मयोगनामकः, अतः कर्मणः एव प्राशस्त्यम् अस्मिन् अध्याये भगवता श्रीकृष्णेन उपदिश्यते। इदं वाक्यमेव साक्षात् कर्मणः प्राशस्त्यप्रतिपादकम्। न प्रसिद्ध्येदकर्मणः शरीरयात्रापि इत्युपपादयति। इतः प्राक्तनः अध्यायः सांख्ययोगः, ततोपि प्राक् अर्जुनविषादयोगः। अर्जुनः विषण्णवदनः भूत्वा अहं मदीयं कर्म कर्तुम् उद्युक्तः न भवामि इति कथयन्नासीत्। तत्तदानीं भगवान् श्रीकृष्णः सर्वभूतसुहृद्रूपेण अर्जुनं तं मित्रभावेन स्वकीयं कर्म कर्तुं प्रेरयति। सफलां प्रेरणां प्रयच्छति भगवान् श्रीकृष्णः। अत्र वक्ति हे अर्जुन, यदि त्वदीयं कर्म त्वं यदि न करोषि तर्हि त्वदीय शरीरयात्रापि न भवति। अकर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत्। अतः यत् नियतं कर्म तत् कुरुष्व। नियतं नियमेन आगतं, वर्णानुगुणरूपेण आश्रमानुगुणरूपेण दायित्वानुगुणरूपेण कर्तव्यं कर्म इति त्वत्कृते यदागतं तत् नियतं कर्म तत् कुरुष्व, कुरु। तत् स्पष्टयति अकर्मणः कर्मज्यायः। अहं किमपि कर्म न करोमि इत्येवं रूपेण उपविशति खलु, तदपेक्षया किञ्चित् करोतु तदेव श्रेष्ठम्। अकर्मापेक्षया कर्मश्रेष्ठं ज्यायः। अकर्म सर्वथा तुच्छम् इत्यर्थः। यतोहि कर्म इत्येतत् स्वाभाविकं तत्त्वम्, स्वभावसहजं
कर्मयोग किमपि न करोमि इति कोपि भवितुमेव नार्हति। न्यूनान् न्यूनं किमपि किञ्चित् वा स्वशरीर यात्रार्थं वा स्वेन कर्तव्यमेव भवति। देवञ्चेत् यत् नियतं वर्तते तत् करणे श्रेयः एव खलु। अतः हे अर्जुन, त्वत्कृते यत् स्ववर्णानुगुणं युद्धं नियतं वर्तते तत् कुरुष्व। हे छात्राः, भवत्कृते यत् अध्ययनं नित्येतत् नियतं, अतः तत् तत्र भवन्तो भवन्तः कुर्वन्तु। किम्? अध्ययनं कुर्वन्तु, यतोहि एतत् अस्मत्कृते नियतम्। अध्यापनं शिक्षकाणां कृते नियतम्, प्रवचनं साधूनां कृते, कथावार्ता कर्तॄणां कृते नियतम्, तत्तैः कार्यमेव। ब्राह्मणैः षडङ्गो वेदः निष्कारणः अध्येयः ज्ञेयश्च इति विहितत्वात् तत् एभिः अध्येयमेव। तद्विना अन्यत् करोमि इति चेत् कुरुष्व, परन्तु तेन कोऽपि लाभो नास्ति। यद्विहितं तदेव न करोति तर्हि अन्यत् करोति चेत् तेन फलप्राप्तिः न भवति। कृतं सर्वं व्यर्थाय कल्पते। इसलिए बोला, जो करना है संध्या वो करने के बिना बाकी सब किए, जो किया बाकी सब वो सब व्यर्थ हो जाए। संध्याहीनो अशुचिर्मित्यं अनर्हः सर्वकर्मसु। कोई काम दूसरा करने के लिए योग्यता ही नहीं प्राप्त हुआ तो करने से क्या फायदा है? दूसरा काम भी फल प्रापक नहीं होगा। विद्यार्थी अवस्था में अध्ययन ही नहीं किया तो गृहस्थाश अवस्था में गार्हस्थ्य अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे। व्यर्थं गार्हस्थ्यम् नाम यादृशं गार्हस्थ्यं ऊढ्वा लोकोपकारकः भवेत् तादृशं न कर्तुं प्रभवति। तत्र कारणं पूर्वाश्रमे ब्रह्मचर्याश्रमे यदध्ययनं सम्यक् विधातव्यमासीत् तन्न कृतम्। पूर्वपूर्व कार्याणाम् अप्रसक्तौ उत्तरोत्तर कार्याणाम् अप्रसिद्धिः। अतः स्पष्टयति श्रीकृष्णः, कर्म कुरु। तत्र भाष्यं नियतं व्याप्तं प्रकृति संसृष्टे नहि व्याप्तं कर्म। नियतम नियत नियति ही प्रकृति ही प्रकृत्या एव आगतम्, स्वभाव सहजम् इत्यर्थः। प्रकृति संसृष्टे नहि व्याप्तं यत् कर्म प्रकृति संसृष्टत्वं अनादि वासनया। प्रकृति संसृष्टं कथं भवति चेत् अनादि वासनया भवति, लोही में आ जाता है, रक्तगतम जीन्स में आ जाता है, जेनेटिक कर्म इत्याकार। यत् प्रकृत्या आगतम अनादि वासनया आगतम तत् कर्म त्वं कुरुष्व। अनादि वासनया तत्कृते तु परंपरानुगुणं
युद्धम आगतम तत्र अप्रतिम अभ्यासः अपि त्वया कृतः देवादि देवतानां प्रसादेन विशिष्ट सामर्थ्यादिकमपि अधिगतम् तर्हि तत् कर्तव्यम् नियतत्वेन सुशकत्वात् जो नियत है अनादि वासना से है स्वाभाविक है हमारे लोही में आ गया है वो करने में आसानी हो जाता है। खेती काम करने वालों को खेती काम आसानी, पुजारियों को पूजा आसान से हो जाता है ना। ब्रह्मचर्य रक्षण साधुओं के लिए आसान हो जाता है क्योंकि उसको प्राकृतिक सिद्ध है। अतः सुशकत्वात् आप तो युद्ध का अभ्यास परंपरा परंपरा से करके आए हैं, हे अर्जुन, तो ये काम आपके लिए तो आसान है। सुशकत्वात् असंभावित प्रमादत्वात् क्योंकि जो सुशक है अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसको जिसमें सामर्थ्य है उसमें गलती नहीं होगी। प्रमादः न संभवति असंभवित असंभावित प्रमादः क्योंकि प्राकृतिक है। अतः असंभावित प्रमादत्वात् च कर्मणः कर्म एव कुरु। काम करने में किसी को प्रमाद नहीं हो सकता है। काम करने के बिना कुछ करने में जाते हैं तो प्रमाद होगा। कर्मयैव कुरु अकर्मणः ज्ञाननिष्ठायाः अपि कर्मयैव ज्यायः। कर्म विना केवलं ज्ञाने एव उपासने एव साक्षात् प्रवेशाय चेत् तत्र निष्ठा न भवति। ज्ञाननिष्ठापेक्षया कर्म भिन्नमेव अकर्म। कर्म भिन्नं किं ज्ञानं। कर्म भिन्नं ज्ञानं यद्वर्तते तदपेक्षया कर्मैव ज्येयः ज्यायः। ज्ञाननिष्ठापेक्षया कर्मनिष्ठा एव श्रेष्ठ क्योंकि कर्म स्वाभाविकम् नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म प्रकृति जैर्गुणैः। एकम क्षणमपि विना कर्म स्थातुमेव न प्रभवति। कम से कम कुछ सोचना तो पड़ेगा। सोच लिया तो उसको प्रवृत्ति में लाना ही पड़ेगा। इसलिए करना है कुछ अच्छा ही करो। जो विहित है वही करो। जो करने से कल्याण है उसको ही करो क्योंकि करना तो है। कल्याण नहीं करेंगे तो कुछ तो होने वाला है, वो अकल्याण भी हो सकता है। और सीधे सीधे ज्ञान निष्ठा में उपासना में उसमें पहले प्रवृत्त हो जाऊंगा नहीं हो सकता है। स्पष्ट है। अकर्मणः ज्ञाननिष्ठायाः अपि कर्म एव ज्यायः। नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते नहि सन्न्यसमादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म सन्न्यास से सिद्धि नहीं होगी। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादीनां आश्रम विहितानां वर्ण विहितानां च सर्वेषां कर्मणां परित्यागेन सिद्धिः सर्वथा न भवति इति वदति।
सिद्धि ही सर्वथा न भवितुमपि अर्हति। नैष्कर्म्यम नहि पुरुषः श्रुते इति प्रक्रमात् अकर्म शब्देन ज्ञाननिष्ठा। नैष्कर्म्यम निष्कर्मता, निष्कर्मता चेत् ज्ञाननिष्ठा, अतः अकर्म इति पदेन ज्ञाननिष्ठा स्वीक्रियते। कर्म भिन्नं मिथ्याकारकं ज्ञानम्। ज्ञाननिष्ठाधिकारिणः अपि अनभ्यस्तपूर्वतया हि अनियतत्वेन दुष्यकत्वात् सप्रमादत्वाच्च ज्ञाननिष्ठायाः कर्मनिष्ठा एव जायसि। ज्ञाननिष्ठायां ये वर्तन्ते तेषां कृते अपि कदाचित् अभ्यासः पूर्णं पूर्वं कर्मणि न भवति चेत्, अथवा अनभ्यस्तपूर्वतया हि अनियतत्वेन ज्ञानम् इत्याकारकम् अभ्यस्तं न भवति। कर्म तु अभ्यस्तम्, अभ्यस्तत्वात् तत् नियतम्। इदं ज्ञानम् अनभ्यस्तत्वात् अनियतम्। यत् अनभ्यस्तम् अनियतम् तत् दुःशकम्, दुःखेन कर्तुं शक्यम्। यत् अभ्यस्तम् नियतम् तत् सुशकम्, सुखेन कर्तुं शक्यम्। कर्म अभ्यस्तम्, कर्म नियतम्, अतः कर्म सुशकम्। यत् सुशकम् सुलभेन कर्तुं शक्यम्, अनायासेन कर्तुं शक्यम्, तत् कुरुष्व, अतः तदेव श्रेयः, तदेव ज्यायः। अतः कर्मनिष्ठा एव ज्यायसि। कर्मणि क्रियमाणे च आत्मयाथात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकर्तृत्वानुसन्धानम् अनन्तरमेव वक्ष्यते। अतः आत्मज्ञानस्यापि कर्मयोगान्तर्गतत्वात् स एव ज्यायान्नित्यर्थः। कर्मणि क्रियमाणे यद्विहितं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं सकलं कर्म तत् क्रियमाणे च याथात्म्यज्ञानं भवति। कर्म करोति चेदेव कर्म कर्तुः स्वात्मनः, कर्म कारयितुः परमात्मनः विषये अपि यथार्थज्ञानम् उद्भवति। संध्योपासनादिकम्, आराधनादिकम्, अर्चनादिकम्, नित्य नैमित्तिक कर्मादिकम् सर्वमपि भगवदाराधनरूपमेव कुर्मः। यज्ञयागादिकम् निखिलमपि भगवदाराधनरूपेण तत्सर्वमपि कार्यं यदा वयं कुर्वन्तः भवामः तदानीमेव तत्कर्म कर्तुः स्वात्मनः, तत्कर्म कर्तुः स्वात्मान्तर्यामिणः अपि परमात्मनः अपि याथात्म्यज्ञानं भवति। कर्म एव न कृतं चेत् एतद्विषयकं ज्ञानमपि न भवति। यः करोति सः एव अध्यात्म अधिकारी भवितुमर्हति, अन्यथा तु न।
यह न करोति सह अध्यात्मस्य नाटकं करोति। अध्यात्म अधिकारी न, अतः स्पष्ट यदि आत्मनः अकर्तृत्वानुसंधानम् अनन्तरमेव वक्ष्यते कदा याथात्मज्ञाने नाहं कर्ता सही कर्ता अंतर्यामी परमपुरुषाय एव कर्ता। अतः आत्मज्ञानस्यापि कर्मयोगान्तर्गतत्वात् आत्मज्ञानमपि कर्मयोगेनैव भवति। कर्मयोगो नास्ति चेत् अहं कः इति ज्ञानमेव न भवति। वहां तक क्यों जाते हैं, हम जीवन में कुछ किए नहीं है तो हम कौन हैं, ऐसा हमको ही हमारा पहचान नहीं होता है। कुछ करो अपने को पहचानो, कुछ करो अपने में रहने वालों को भी पहचानो। मैं कर सकता हूं ऐसा विश्वास तभी ही आएगा जब करेंगे। मेरे में कुछ सामर्थ्य है ऐसा पहचान तभी ही आएगा जब कुछ करेंगे। कुछ किए तो ही मैं मेरे में रहने वाला सामर्थ्य, इस सामर्थ्य का जो हम में अनुग्रह किए वैसा अंतर्यामी नियंता परमात्मा आत्म तत्व परमात्म तत्व, उसका भी पहचान उससे ही हो सकता है। नहीं करने वालों को आत्म तत्व पहचान में ही नहीं आएगा। अतः वदति आत्मज्ञानस्यापि कर्मयोग अंतर्गतत्वात् सह कर्मयोगः एव जायाम्। जिससे अपने को पहचान सकते हैं वो ही तो बड़े। पहचान सकते हैं अपने को कर्मयोग से, इसलिए कर्मयोग ज्येष्ठ है। तदेव पुनः भाष्यकाराः स्पष्टयन्ति, कर्मणः ज्ञाननिष्ठायाः न्यायः न्यायस्त्ववचनं ज्ञाननिष्ठायाम् अधिकारे सति एव उपपद्यते। कर्मणः ज्ञाननिष्ठायाः न्यायस्त्ववचनं, ज्ञाननिष्ठायाम् अधिकारे सति एव उपपद्यते। ज्ञाननिष्ठा में आए तो ही न ज्ञाननिष्ठा का स्थान क्या है वो समझ में आएगा। ज्ञाननिष्ठा में तभी ही आ सकते हैं जब कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग में रहते हैं। यह कर्मयोगी सैव ज्ञाननिष्ठः भवितुमर्हति। आत्मयाथात्म्य ज्ञानं सैव अवाप्तुमर्हति, अन्यः न। कर्मयोग जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञाननिष्ठा के लिए अधिकारी भी नहीं, योग्यता ही नहीं आए तो उसमें प्रवेश कहां करेंगे। ज्ञान में निशेषेण स्थिर ध्यानाधिकारी सैव भवितुमर्हति। भक्तः ध्यानी सैव भवितुमर्हति। यह पूर्व पूर्व अंगादिकम
यमनियम आसनादिकं सर्वमपि परिपूर्ण रूपेण अनुष्ठाय अग्रे सरति। अतएव खलु अष्टांग योगः इत्युच्यते, अंगे एव प्रवेशो नास्ति, तर्हि अंगी अधिकारी कथं भवति। अतः स्पष्टयति ज्ञाननिष्ठायां अधिकारे सति तत् उपपद्यते, यदि सर्वं कर्म परित्यज्य, जो आया है आश्रम के अनुसार वर्ण के अनुसार वो सबको छोड़ के मैं ज्ञाननिष्ठ हूं, मुझे कुछ करना नहीं है, सुबह उठता हूं, थोड़ा अगरबत्ती जलाता हो, डेढ़ घंटा ध्यान करता हूं। कहां होगा ध्यान डेढ़ घंटा? जो करना है वो ही नहीं किए। अतः स्पष्ट यदि ज्ञान निष्ठाया वचंत, यदि सर्वं कर्म परित्यज्य केवलं ज्ञान निष्ठायां अधिकरोषि तर्हि अकर्मणः ते ज्ञाननिष्ठस्य ज्ञाननिष्ठ उपकारी उपकारिणी शरीरयात्रापि न भवति। सब 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 छोड़ के ज्ञान निष्ठा में बैठ जाएंगे तो ज्ञान में उपासना में रहने के लिए इस शरीर का तो रक्षण तो करना चाहिए, वो भी नहीं होगा ना। कुछ नहीं किए तो शरीर शुद्धि भी नहीं होगी। शरीर यात्रा आसन प्राशनादिकम अपि न भवति, आसन वसन वसत्यादिकम अपि न भवति। अतः शरीर यात्रार्थम कर्म अपेक्षितम्। शरीर यात्राया यात्रायाः योयम् उद्देशः ज्ञाननिष्ठा तदर्थं कर्मयोगः अपेक्षितः। सति च कर्मयोगे शरीर यात्रापि चलति कर्मणि निष्ठापि ज्ञाने निष्ठापि आयाति, अन्यथा तु न भवति। अतः कर्मयोग परित्यागेन मूलभूत शरीर यात्रापि न भवति। तो शरीर यात्रा एव न भवति चेत् अनेन प्राप्तेन भौतिकेन शरीरेण ज्ञानादिकं ध्यानादिकं कथं वा अनुतिष्ठति? न सर्वथा। अतः स्पष्टयति शरीर यात्रापि न सेत्स्यति न प्रसिद्धेन कर्मणः। यावत् साधन समाप्ति शरीरधारणञ्च अवश्यं कार्यम्। शरीरधारणं मास्तु इडिजेत् साधन समाप्ति पर्यन्तं शरीरधारणं तु भवेदेव खलु। साधनं किं? भगवत्प्राप्तिः। भगवत प्राप्ति ही भगवान यदा दर्शन यच्छति तदानीं भवति। भगवान कदा दर्शन यच्छति? यदा प्रसन्नो भवति तदा। कदा प्रसन्नो भवति? यदा अहम शरणागतो भवामि, यदा अहम भक्तिरतः भवामि तदानीं। भक्ति ही शरणागति ही कदा आयाति? यदा मदीयं निखिलं पापादिकं निवृत्तं भवति तदा। मदीयं पापादिकं कदा निवृत्तं भवति? इत्यत् अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। कर्मणा मृत्युतरणं भवति। जो जो करना है वो सब किया तो पाप मिटेगा, पाप मिटा तो ज्ञान के लिए भक्ति के लिए अधिकारी बनता है,
भक्ति के लिए जो अधिकारी बन पाएगा उसमें ही शरणागति आएगी। भक्त्या प्रपत्या च प्रसन्नः सः परमात्मा स्वयं स्वाम एतस्मै दर्शयति साक्षात्कारयति। साक्षात्कृत परम पुरुषः एव मोक्षाधिकारी भवति। अतः कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा बैठे बैठे ज्ञान निष्ठा में रहने वालों को शरीर यात्रा भी नहीं होगी। अथावति यावत् साधन समाप्ति शरीर धारणं च अवश्यं कार्यं न्यायार्जित धनेन महायज्ञादिकं कर्तव्यं यज्ञादिकं अनुष्ठेयम्। तदर्थं धनार्जनं कर्तव्यं, धनार्जनमपि न्यायेन मार्गेण कर्तव्यं। न्यायेन मार्गेण यावद्धनम् अर्जयितुं शक्यते तावद्धनेन तावत् परिमितमेव यज्ञादिकम् अनुष्ठेयम्। यज्ञ यागादि अनुष्ठान करना, इसलिए अन्यायेन धनार्जन न कर्तव्य। तदपि भाष्यकार स्पष्टयन्ति महायज्ञादिकं कृत्वा तच्छिष्ट अन्नेन यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भुञ्जते। यज्ञशिष्टस्य भोगेन पापनिवृत्तिः भवति। यज्ञशेष के बिना, भगवत आराधन के बिना, भगवत निवेदन के बिना, भगवत शेष के बिना अपने के लिए पका के स्वयं खाने वालों भुंजते ते त्वघम पापाहा, वो खा रहे हैं पाप को। अघमेव अश्नन्ति। अतः प्रसाद रूपम्, इसलिए भगवन निवेदित पदार्थ। तच्छिष्ट अशनेन एव शरीरधारणं कार्यम्, भगवत प्रसादेन शरीरधारणं। भगवत प्रसादेन शरीरधारणं क्रियते चेदेव आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। इसलिए आहार शुद्धि चाहिए, इसलिए आहार शुद्धि हो, जिसके पास आहार शुद्धि होगा उसका ही सत्व गुण बढ़ेगा, उसका ही सत्व गुण काम में आएगा, उसका ही सत्व गुण से प्रकाश प्राप्त होगा। जिसके पास प्रकाश ही नहीं है वो कहां भगवान को दर्शन करेंगे। इसलिए जहां वहां जहां भी मिलेगा वो नहीं खाना, खाने के लिए रेकड़ी के पास नहीं जाना, बाहर नहीं खाना, किसी ने कुछ भी दिया तो नहीं लेना। काय शुद्धि है तो चिंतन शुद्धि होगा। हम भी बोलते हैं ना, इसका सोच क्यों ऐसा होता है, इन्होंने क्या खाया होगा। भगवान का प्रसाद खाया तो ऐसा चिंतन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवत प्रसादे सत्व गुण वर्तते। अतः सात्विक आहार एव सेवनीय, तामस आहार सविधे न गंतव्यम्, अशुद्धम अन्नादिकं न भोक्तव्यम्, येन केनापि पाकादिकं कृतं तन्न भोक्तव्यम्। जो पैसे के लिए, कमाने के लिए जैसा वैसा भी पका के काम करके चले जाते हैं उसका आहार नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। क्यों?
तेन सत्वगुण वृद्धि न भवति तमोगुण वृद्धि भवति। शरीर का कण कण में तम आ गया तो क्या करे। अतः स्पष्ट यदि वाक्यमेव छांदोग्योपनिषद वाक्यम आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धि है तो ग्रंथि विमोक होगा। ग्रंथि विमोक ही मोक्ष है। मोक्ष मुचिर मोक्षण है। किसका मोक्ष? ग्रंथि का मोक्ष। संसार का ग्रंथि का मोक्ष तब होगा अरे भगवत प्रसाद रहितम आत्मार्थम किमपि पक्वा भुंजन्ति खलु ते भजन्ति आत्मकारणात् भुंजते ते त्वघं पापाये पचन्ति आत्मकारणात्। अत्रैव पूर्व प्रो अग्रे वक्ष्यते। अतः ज्ञाननिष्ठस्यापि कर्म कर्म अकुर्वतो देहयात्रा न सेत्स्यति। ज्ञाननिष्ठस्यापि मालूम है और एक ही पैरा है हो जाएगा। आपका इतना निष्ठा में है कर्म योग में तो क्यों छोड़ना है। अध्ययनम कर्म खलु यतः ज्ञाननिष्ठस्यापि ध्रियमाण शरीरस्य। अंतिम वर्ग है ना आपका, कोई पीरियड नहीं है। हमारा ये पीरियड पूर्ण होता है, इसके बाद जाके सत्व गुण समृद्धि का आहार स्वीकारना है। प्रभु भगवान का प्रसाद, केवल भगवान का प्रसाद। अभी केवल जाएंगे तो भगवान का प्रसाद होगा, थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे तो भागवत का भी प्रसाद मिल जाएगा, है ना। यतः ज्ञाननिष्ठस्यापि ध्रियमाण शरीरस्य यावत् साधन समाप्ति। ज्ञाननिष्ठा यद्यपि उपासना में ही रहे, ऐसा भी समझिए, उनका स्तर पर पहुंच गए, उसको भी तो शरीर यात्रा तो करना ही है। शरीर यात्रा तो कर्म के बिना नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। ज्ञाननिष्ठेनापि महायज्ञादिकं यावत् शरीर समाप्ति अनुष्ठेयमेव। उसका अर्थ यह है जब तक जिंदा हो तब तक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित यहां यज्ञादिक कर्म अनुतिष्ठस्व। महायज्ञादि कर्म नहीं करेंगे तो भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। कभी भी सत्वगुण फिर जाएगा। इसलिए जब तक है तब तक तब तक प्रसाद ही मिलना चाहिए। प्रसाद ही मिलना है तो महायज्ञादि अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसलिए भगवत आराधन के बिना प्रसाद लेना ही नहीं। यतश्च कर्मयोगे अपि आत्मनः अकर्तृत्व भावनया आत्मयाथात्म्य ज्ञानानुसंधानम अंतर्भूतम्। क्योंकि पहले ही बोल दिया कर्मयोग में भी कर्मयोग करते हैं, महायज्ञादि अनुष्ठान करते हैं तो भी उसमें अकर्तृत्व अनुसंधान है। मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है। अहम न करोमि, भगवान कारयति, अहम तो केवल निमित्तम्। सह स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव मत्तः कारयति इति अकर्तृत्व अनुसंधान है। वो भी किसके लिए? उनका प्रीति के लिए, स्वार्थ भी नहीं है। तो अकर्तृत्व अनुसंधान होने के नाते इसमें भी, इस कर्म में भी, महायज्ञ में भी, अनुष्ठान में भी, क्रिया में भी आत्म याथात्म ज्ञानम अंतर्निहितम। इसलिए फिर बंध नहीं होगा कि ये तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जब स्वार्थ में किया तब भुगतना पड़ेगा, जब स्वार्थ वगर किया तो भुगतना नहीं पड़ेगा। जो किया उससे पाप मिट जाएगा, भुगतने का आएगा नहीं। इसलिए ये टेक्निक है वेदांत में, ये टेक्निक है वैष्णवों में,
पूर्ण रूप में हमारे लिए भगवत पाद का संप्रदाय में उपदेश कर चुके हैं। करो, मैं कर रहा हूं ऐसा समझ के नहीं करो, करो और उसका फल का दृष्टि से नहीं करो। सर्वं कुरुष्व भगवद आराधन रूपं कुरुष्व, भगवत प्रीत्यर्थं कुरुष्व, भगवत मुखोल्लासार्थं कुरुष्व, भगवत सेवा रूपं कुरुष्व, तो बंध नहीं होगा बल्कि लाभ होगा, भगवान का याथात्म्य ज्ञान होगा, आत्मतत्व का याथात्म्य ज्ञान होगा। अथावत अकर्तृत्व भावनया आत्म याथात्म्य ज्ञानानुसंधानम अंतर्भूतम यतश्च प्रकृति संसृष्टस्य कर्मयोगः सुशकः अप्रमादश्च। और क्या है, कर्मयोग प्रकृति संसृष्ट है, स्वाभाविक है, इसमें है ही, जीन्स में है ही, इसलिए कर्मयोग ही सुलभ है, कर्मयोग ही सुशक है। आसानी से करना है तो कर्मयोग, ज्ञान योग आसानी से नहीं होगा, अत्यंत कठिन है। समझते हैं कुछ करना नहीं, बैठे बैठे चिंतन करना, बैठे बैठे चिंतन नहीं हो सकता है, बैठे बैठे करना हो सकता है। अतः स्पष्ट यदि अप्रमादश्च अतः ज्ञान निष्ठा योग्यस्य अपि ज्ञान योगात कर्मयोग एव ज्ञायान। ज्ञान निष्ठा में जो है उसको भी कर्मयोग ही ज्ञायान होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। तस्मात् त्वं कर्मयोगमेव कुरु, कर्मयोगमेव कुरु। स्पष्ट यदि हे अर्जुना तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ कुरुष्व नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। जय श्री स्वामीनारायण। मजा आ गया।